नमस्कार, मैं मंगत सिंह अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो मेरा विषय है वह है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या हम अपने इम्यून सिस्टम को किस प्रकार से मजबूत करें। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, जैसे अब कोरोना वायरस चल रहा है तो इन दिनों हमें शांत मन को शांत रखना है और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है। हमें किसी प्रकार की नकारात्मक जो खबरें हैं उनसे बच के रहना है, नकारात्मकता हमारे दिमाग में किसी प्रकार की ना आए तो हमारा जो इम्यून सिस्टम अपने आप बैठ रहेगा। उसके अतिरिक्त कुछ योगासन है, उन योगासनों से हम अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि भुजंगासन है, तो भुजंगासन में क्या होता है, जो हमारा छाती और पेट का भाग है वो उभरा रहता है, खास करके हमारे जो छाती का सीने का भाग है वो उभरा रहता है, तो उसमें मौजूद हमारे जो अंग होते हैं जैसे हमारा हृदय है और फेफड़े हैं वह मजबूत होते हैं, उनका रक्त परिसंचरण बढ़ता है जिससे वो मजबूत होते हैं, तो हमें एक अच्छा इम्यून सिस्टम मिलता है, हमारा इम्यून सिस्टम वो अच्छा हो जाता है। तो भुजंगासन मैं आपको करके दिखाऊंगा हमें किस प्रकार से करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले जमीन पर पेट के बन ओंधे मूंढ लेट जाएंगे, हाथों को इस अवस्था में रखेंगे जो हमारी कोहनियाँ हैं वो शरीर के साथ में रहेंगी, और धीरे धीरे एक लंबी सांस भरते हुए सांस हमने धीरे धीरे लंबी सांस भरनी है और अपना जो आगे का शरीर है सीने का भाग है उसको जमीन से उठाएंगे। तो इतना ही उठा के रखना है, ज्यादा सीधा बिल्कुल पीछे ऐसे नहीं जाना। इस प्रकार क्या हो जाएगा, हमारा जो सीना है उस पर कोई बल नहीं लगेगा। दोबारा फिर देख लीजिए, इतना ही उठाएंगे। तो इस अवस्था में रहने से क्या होगा, हमारे जो सीने का भाग उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा और हमारे लंग्स और हमारा हार्ट है वो मजबूत होगा। इस प्रकार से हमारी जो इम्यून सिस्टम है हमारा, जो हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता है वो बढ़ेगी। तो इस आसन को आप 4-5 मिनट डेली कर सकते हो, आप आधा मिनट या एक मिनट जिस तरह भी जैसे भी इस अवस्था में रह सकते हो उतना काफ़ी है, क्योंकि जब आप नए नए सीखते हो तो आपको करने में मुश्किल आती है। जैसे जैसे मुस्कों का अभ्यास करते हैं अभ्यस्त होने पर हमारा जो लचीलापन है वो बढ़ जाता है, तो उससे हम अच्छी तरह कर सकते हैं। तो इस आसन को आप 4-5 मिनट यानी एक एक मिनट, दो दो मिनट जितना भी कर सके 4-5 बार नियमित रूप से करें, इससे जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम जो भुजंग आसन है, भुजंग कहते हैं सांप को, ये जो आसन किया था इसको हम सर्प मुद्रा कह देते हैं, भुजंग आसन कह देते हैं इंग्लिश में, इसे कोबरा क्रंच भी कह देते हैं। तो जो सांप का जहर है वो क्या है, कोरोना वायरस को मारेगा और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखेगा। धन्यवाद।